नमस्ते सस्रेकाल आदाब, मैं सुलेखा गड़ेवाल एंड आप सभी का द पेंटिंग मैजिक में स्वागत है। सो गाइस, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रैवलिंग, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं भोपाल। वहां पे हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसकी मीटिंग हमारी कॉल पे तो हो चुकी है, हमारी बात एंड हमारी वो डील फिक्स है, बट हम एक बार मीटिंग करेंगे वहां जाके एंड देन हम वो अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे। हमें उस पर पेंटिंग करनी है, सो दो तीन पेंटिंग्स हैं हमें वो बनानी है, तो हम वो बनाएंगे। सो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और 6:30 पे हमारी ट्रेन है, तो हम अभी फटाफट निकलते हैं भोपाल के लिए एंड अपनी मीटिंग करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं एंड न्यू सिटी जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स बहुत सारा घूमेंगे एंड ढेर सारी मस्ती भी करेंगे। सो स्टे ट्यून। तो ये हम पहुंच चुके हैं भोपाल हमारे एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर मीटिंग विद अतुल भैया Who is don't want to come in front of camera, so that's why हमको कैप्चर नहीं कर पाई, बट हम कभी ना कभी तो चुपके से उनको कैप्चर कर ही लेंगे। तो हम हो चुके हैं रेडी अपने प्रोजेक्ट पे जाने के लिए, जिसकी मीटिंग की थी हमने कल। सो वो प्रोजेक्ट हमारा डन है, तो आज हम जा रहे हैं उसके लिए। देखते हैं अब वहाँ की पेंटिंग कैसी जाती है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिटी मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, अभी मुझे आगे चल के बस देखनी है कि कैसी क्या मिलती है, कितना टाइम लगता है। सो लेट्स गो। हाँ तो आज ये भी जा रही है मेरे साथ, सिल्की ये। हाँ हम आपको दिखाते हैं हमारा आउटफिट ऑफ द डे। रुको मैं आपको मेरे नंबर से फ़ोन करती हूँ। हम आपको मिलते हैं आधे घंटे बाद, क्योंकि अभी तो आधा घंटा लगने वाला है हमको ट्रैवलिंग में।
ओके सो वी आर नियर टू द डेस्टिनेशन और वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि अब हमें जाना कहाँ से, क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि किस रास्ते से हमें आगे बढ़ना है, और ये भैया को फ़ोन करके पता कर दिए कि हमें जाना कहाँ है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। कैच यू सून। कहाँ से होएगा यार? मेरा तो पूरा खाना इसमें ही डाइजेस्ट हो गया। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, हमें गाइडेंस तो मिल चुकी हैं कि हमको कैसा जाना है, बट फिर भी हम देखते हैं कि हम कितने डम हैं कि हम कितने टाइम में पहुंच पाते हैं। डम तो तू ही हुई ना, तू तो यहाँ रह रही है, मैं तो यहाँ की भाई नहीं, मैं पूरी रोड है ना, अब भी रहती हूँ क्या यहाँ पे? सबसे पहले ना कोई भी न्यू सिटी जाओ ना तो रोड ही नापो कि कहाँ से कौन सी कैसे जाती है, तब वो का टाइम किसी के पास नहीं है। मैं तो यही करती हूँ, जरूरत ही नहीं लगती यार इधर कहीं आने की। हाँ ये तो है, और फिर रेस्टोरेंट होते हैं तो यही होता है हम लोगों के साथ कि खुद का काम ही इतना रहता है कि कहीं नहीं कर पाते, मन ही नहीं होता। और वी आर तो सुपर लेजी पीपल, हमें तो कहीं आना जाना ही नहीं, हमें बस बिस्तर चाहिए। एग्जैक्टली और हमारे काम भी होते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं यार हम कब करेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे वाला होता है हमारे साथ। हमको यहाँ से फर्स्ट क्लास लेना है, यही है। हाँ या वी मैंने आऊंगी कल से, मैं समझ गई हूँ, कल से हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा आज ये फर्स्ट डे था ना इसलिए। और वैसे भी अपन पहुंच गए, तेरी सारा काम मैं करूं है। हाँ तो मैं नहीं बोल रही हूँ, रोज रोज इसको ही, मतलब थोड़ा सा दो दिन बाद ये ग्वालियर चली जाएगी तो इसको ही घूमना था। हाँ अब तो मेरे को कल मैं मीटिंग के लिए आई थी तो अब मेरे को पहचाना पहचाना लग रहा है। एक्चुअली जब हम बाइक से आते हैं ना तो हम रास्ते हम याद नहीं कर पाते इतनी जल्दी। नहीं नहीं जब हम बाइक से आते हैं ना हम याद करना ही नहीं चाहते कि क्या करना है, देखेंगे कल। ये भी सही है। नहीं और रास्ते के लिए हमको पैदल ही आना होता है तभी हम समझ पाते हैं। और बाकी हम पहुंच गए हैं, ये हमारी सबसे अच्छी बात है। हाँ यही है महादेव परिसर। सो चलिए मैं दिखाती हूँ, पहुँच गए। ये तो बिल्डिंग है, हाँ, है ये। अभी तो चलते देख लेना वहाँ से। अभी अंकल पेंटिंग के लिए आया, अभी हमारे यहाँ से करेंगे, आर्टिस्ट पेंटिंग के लिए आया। सो गाइस यहाँ पेंटिंग हमको ये करना है, हमको एक्चुअली मैं तो टाइम पास करके बहुत बोर हो रही थी तो मैंने कहा चलो कुछ बॉल वॉल का पकड़ते हैं। एंड यहाँ मुझे थोड़ा अपनी पहुँच से थोड़ा सा काम मिला, एंड फिर सेकंड थिंग है ना कि मेरे को न्यू सिटी एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलेगा, तो इसलिए मैं इंदौर से भोपाल में फटाफट आ गई, मैंने ज़्यादा भी नहीं सोचा। तो चाय लेके आ रही है मेरे लिए। अयो सबसे पहले पिएंगे, लोकेशन अच्छी है ना ये। सो गाइस चलिए अब हम अपनी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना ड्राइंग मतलब का रफ सा स्केच ड्रॉ कर लेंगे, जो भी हमें इमेज मिली है उसको हम फटाफट से रफ सा स्केच कर लेंगे, एंड देन हम दूर से जाके उसको देखेंगे कि हम जो भी कंपोजिशन सेट कर रहे हैं वह सही जा भी रहा है या नहीं। होता क्या है कि जब हम कैनवास पे या पेपर पे करते हैं और वो छोटा होता है तो हम एक्चुअली वो होता हमारी पूरी आँखों के सामने है तो हम वहाँ पे काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं, बट जब हमें लार्ज स्केल मिलता है जैसे कि बॉल, तो जब हम बॉल पे करते हैं तो पूरी बॉल तो हमारे आँखों के सामने नहीं है ना, तो उस टाइम हमको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस होती है क्योंकि पूरी बॉल हमारी आँखों के सामने नहीं है फर्स्ट थिंग, तो हमें उसे दूर जा के देखना पड़ता है कि हम जो भी कंपोजिशन सेट करें वो सही जा रहा है या नहीं। तो इसके लिए एक ही चीज़ है कि हम उसे दूर जाके अच्छे से ऑब्जर्व करें कि हम जो स्केच कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं। By the way, it's not too tough.
ट्रूली मैं इसे फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, लाइक बॉल पे मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ इतने बड़े स्केल पे। बहुत मज़ा आती है कुछ हटके करने में। मैं बॉल पे तो कर चुकी हूँ, बट ऐसा है कि छोटे बॉल पे अपने रूम के डेकोरेशन में या घर की किसी बॉल पे, बट ऐसे फर्स्ट टाइम किया है। और इतना भी टफ नहीं है, जब हमें कुछ भी तो हमको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना ही होता है ना, तो जब हम इसे करेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे भी कि हम एक छोटी सी चीज़ से फिर एक बड़े से बॉल पे कर रहे हैं, तो उन सब का एक्सपीरियंस इट्स टू गुड। हाँ, पर जब भी आप ये ट्राई करो ना, तो आप एक चीज़ अपने माइंड में लेके चलो कि आप जो भी आपको इमेज कर बना रहे हो, आप जो भी आप ड्राइंग करोगे, तो उसको पूरी बॉल पे उसका कॉम्पोजिशन सेट करके चलो। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया ना, तो कहीं आपका छोटा बनेगा, कहीं बड़ा बनेगा, कोई कॉम्पोजिशन छोटा कोई बड़ा, तो वो प्रॉब्लम होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप इससे कुछ सीखो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये चीज़ तो सच में ऑब्जर्व करते हुए स्टार्टिंग से ही चलना कि क्या चीज़ हमको कहाँ बनानी है, कितनी बड़ी रखनी है, कितनी छोटी रखनी है, तो बहुत इजीली बहुत अच्छे से बन जाता है। और आप ये देखिए ना, मेरी बहन को ना बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है अकेले बैठे बैठे। उसको बोले जा रही है वो कि भाई मेरे से कुछ बनवा ले, मेरे से कुछ करवा ले। मैंने उसको फाइनली डिब्बा दे दिया, मैंने बोला ले तू अब कर ले। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो गंदा तो बिल्कुल नहीं करेगी, बिकॉज सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प माइंडेड गर्ल, तो वो बिल्कुल गंदा नहीं करेगी। जब भी उसे लगेगा कि कुछ ख़राब हो रहा है, तो वो आके मुझे पकड़ा देगी कि ये ख़राब हो रहा है, तो वो मैं करेक्ट कर दूँगी। तो मैंने उसे थमा दिया है, तो अब वो भी बड़े अच्छे से इंजॉय कर रही है, जबकि वो आर्टिस्ट नहीं है। उसके बाद देखिए वो कितने मस्त तरीके से पेंटिंग कर रही है।
सो गाइज अब हम अपना बैकग्राउंड करना स्टार्ट कर देंगे। आई नो मुझे बैकग्राउंड पहले करना चाहिए था, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास पहले बड़ा वाला ब्रश नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं फिगर्स पेंट कर लेती हूँ। मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, तो मैंने पहले फिगर्स बना लिए हैं, उनको पेंट कर लिए एंड देन अब मैं जाके बैकग्राउंड कर रही हूँ। तो मैं मैनेज कर लूँगी, तो मैंने इसलिए कर लेंगे मैनेज, और क्या हो जाएगा। तो अब हम अपना फटाफट पूरा बैकग्राउंड बना कर लेंगे एंड देन अगेन फिगर्स की फिनिशिंग पे आ जाएंगे।
देखिए कौन मिलने आ रहा है, निशा मेरी स्कूल की दोस्त। ओह माय गॉड, तो ये पागल लड़की आ चुकी है। बैन मास्क निकाल ले मैडम, आ जाइए हमारी फील्ड। ये अपना पेंटर भाई है ब्रो, पेंटर डूड। यस, क्या पेंटिंग की है? यही की है यार, बड़े पेंटिंग की है। पेंटिंग्स भी तो दिखा अपनी। यही तो है, यहाँ दो दिन ही तो हुए हैं, तीन दिन। ओके, तो अभी हम इनसे बात करते हैं। ओके, हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ना। हाँ यार, पता कब से तो मिले नहीं अपन लोग। कब से मैं, तू जब फर्स्ट ईयर में आई थी ना, मैं भी आईस की वजह से एम्स में, हाँ तब से नहीं मिले भाई। सो गाइस, बैक टू बस, बिकॉज अभी हमारा थोड़ा सा काम बाकी है, तो हम उसे फटाफट कंप्लीट कर लेंगे एंड देन वी विल गो समवेयर। बाय द वे, मैडम अभी बैठी हुई हैं एंड पता नहीं क्यों इतना लेक्चर दे रही हैं। मेरे से बातों बातों में निकल गया कि आज मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, तो मैडम के खाने पे इतने लेक्चर चल रहे हैं ना कि पूछो मत। सुबह से लगी हुई है, जब से आई है तब से बहन तू कुछ खा लेती, सुबह से कुछ खा लेती एंड देन कंप्लीट कर लेती। आई सेड आई हैड टू कंप्लीट दिस एनी हाउ, सो मेरे को टाइम नहीं मिला। सो भाई उसके लेक्चर चल ही रहे हैं, तो अभी हम उसके साथ जाते हैं, कुछ खाएंगे एंड कहीं घूमेंगे, बिकॉज हम सीरियसली बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, लाइक 3-4 साल बाद मिल रहे हैं हम हमारी फ्रेंड से। सो अभी हम इसे फटाफट कंप्लीट करते हैं एंड देन उसके साथ जाते हैं कहीं बाहर एंड देन मिलते हैं आपसे। स्टे ट्यून। तो फाइनली हमारी पेंटिंग हुई कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं यहाँ का फेमस आनंद पोहे वाले के इधर समोसा खाने। अभी तो एटीएम जाएंगे, मैडम के पास पैसे जो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि यही तो खिलाने वाली है। सुबह मैंने पूरी चिल्लर निकाल के दी थी बस वाले भैया को। हाँ, क्योंकि चिल्लर रोज कलेक्ट होते जाते हैं, फिर अपन उसे यूज नहीं करते। ये एटीएम भी बंद है, नहीं चालू है। शिट, हमारी किस्मत। नहीं, चालू है। हैंग आउट चालू है। और उस पे क्या है? तो चलिए। सो हमारा हो गया है खाना और हम जा रहे हैं। इसके बाद कोई इग्नोर करेगा क्या? नहीं, ये ना एकदम पूरा दो पैर देसी कटका के सोती है, 12 बजे उठती है, अपना काम जो है वो 1 बजे से स्टार्ट करती है मैडम, और फिर अफसोस करती है 6 बजे की मैं आज भी नहीं हुआ है। आज हम हो गए हैं काफी लेट बिकॉज ऑफ मी, नॉट मी, हाँ बिकॉज ऑफ यू। अब तक हम बिना खाए निकल जाते हैं। ये तो तुमको आता है, और फिर घर जाके खाऊंगा तो मैं कुछ ऑर्डर करती। और हमने अभी खरीदा कुछ कुछ खाने के लिए, तो हमने कुछ अच्छा सा भी खरीदा। ये देखिए बड़ी अच्छी सी लगती है, और अच्छी वाली बहुत कम जगह मिलती है। चलिए तो मैं खाते खाते बस स्टॉप तक जाते हैं एंड बस पकड़ के घर। बाय बाय।